पुराना पंचकुला सेक्टर एक स्थित प्राचीन स्कूल श्री जैनेन्द्र गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधकों पर सेक्टर एक पुराना पंचकुला में रहने वाली सुदेश रानी व बच्चों व उसके अभिभावकों ने मनमानी फीस वसूलने व उन्हें फीस स्लिप न दिए जाने के आरोप लगाए हैं। इस बाबत मंगलवार को अभिभावक पंचकुला सेक्टर एक के जिला सचिवालय में ADC शरणजीत बरार से मिले व उन्हें अपनी समस्या से अवगत करवाया। इन लोगों ने बताया कि जैनेन्द्र गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो गवर्नमेंट एडिड है, जिसे सरकार से सरकारी ग्रांट मिलती है, इसके बावजूद स्कूल प्रबंधकों द्वारा मनमानी फीस वसूल की जाती है। ये स्कूल का एक हमारा मैटर चल रहा है, ये श्री जैनेन्द्र गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो एक फीस का मैटर है हमारा। क्या फीस कैसे ऐसा है कि कम से कम इस स्कूल में 1200-1300 बच्चे, 1500 के करीब बच्चे पढ़ते हैं और वो सभी बच्चे स्कूल में फीस देते हैं। तो फीस जैसे कि फर्स्ट क्लास से लेकर के 8th क्लास तक की फ्री है, सरकारी स्कूल है ये, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, तो इसमें फीस नहीं ली जाती, लेकिन ये लोग पर बच्चे से 280 रुपये, 300 रुपये ऐसे फीस चार्ज करते हैं। एडमिशन फीस ली जाती है किसी से 1100 रुपये, 1180 रुपये, ऐसे दो तरह से इन्होंने बना। नहीं, इन्होंने कभी भी किसी को कोई स्लिप नहीं दी और अभी बिना उससे इनके स्कूल का जो हेडमास्टर्स हैं मिस्टर खेमचंद बत्रा हैं वो हैं, और एक VK जैन है, ये मतलब इनका एक मैनेजमेंट है अपनी बनाई हुई, वही करते हैं सारा। पहले कार्रवाई की थी, SDM साहब ने बुलाया था इनको अपने ऑफिस में, तो इन्होंने 2 तारीख का टाइम दिया था हमें कि हम 2 तारीख को आएंगे, अपने बयान दे के जाएंगे, तो आज अभी तक तो कोई आया नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये जो बच्चों की फीस है तो बिल्कुल ही माफ़ की जाए, ठीक है, और हम सबसे बड़ी ये चाहते हैं कि जो ये स्कूल है इसको DC के अंडर कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। वहीं SDM पंचकुला ने बताया कि उनकी नोटिस में इस स्कूल का मामला पहली बार आया है और मामले की जांच करवाई जाएगी। ये अभी पेरेंट्स मिले हैं और कह रहे हैं कि बच्चों से मतलब पेरेंट्स से फीस भी ज्यादा ली जा रही है, जो कि आधारित उससे ज्यादा ले रहे हैं और रसीद नहीं दे रहे, तो इसके भी हम इंक्वायरी करेंगे और अगर और भी ऐसे कोई पेरेंट्स हैं तो वो भी हमसे मिल सकते हैं अगर उनको भी ये शिकायत है, तो अथॉरिटीज के खिलाफ फिर हम उचित कार्रवाई भी करेंगे। हालांकि यह स्कूल सरकारी एडेड स्कूलों में आता है, लेकिन शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल में 1ली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाने का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।